राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संस्था है, जिसने अभी जो चुनाव बीते उसके बाद नई सरकार बनी है बिहार में, उसमें जो विप्र बंधु जीते हैं, ब्राह्मण बंधु जीते हैं, इनको उसी में मैं भी एक हूँ, मैंने ये चुनाव जीता है। और दो मंत्री हमारे साथ बैठे हैं, संजय झा जी और आलोक रंजन झा जी, और पूर्व मंत्री देवेश चंद ठाकुर जी हैं, और कई विधायक दिलीप जी और सुनील मणि तिवारी, अमरेंद्र पांडे जी, दिलीप चौधरी जी पूर्व विधान पार्षद, सब लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसका उद्देश्य है इस संस्था का कि एक समाज की यह संस्था है, समाज के बेहतरी के लिए, समाज की एकता के लिए और समाज को संगठित करने के लिए काम करती है। इस चुनाव के बाद इन लोगों ने हम लोगों को अभिनंदन करने का ये किया है, ये एक अभिनव प्रयास है इनका। संगठन में एकता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु होती है और इसके लिए यह संस्था लगातार प्रयासरत है। हम इन लोगों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि देश के विकास में विप्र समाज ने असाधारण योगदान किया है। हजारों हजार साल से अपने खून पसीने से, अपनी विद्वता से, अपनी क्षमता से, अपने पुरुषार्थ से उसने इस समाज की सेवा की है। और ब्राह्मण समाज तो सबों को आशीर्वाद देता है, कोई उसको कहे पाए लागू वो कहे खुश रहो बउआ, सभी को प्रसन्न करना चाहती है। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, इसमें कोई निम्नता नहीं है, ये ऊंचाई की बात है। वही यह समाज देश के आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन भी लगा हुआ है और इसीलिए आज हम लोग आए हैं। संगठन के कर्ता धर्ता लोगों को, जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पैसा कमाना संपत्ति कमाना अलग की बात है, लेकिन त्याग करना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा मैं पांचवी बार विधानसभा में आया हूँ, और जिला परिषद अध्यक्ष हम लोग 2000 रहते हैं, हमारे हम भी रहे 5 साल, हमारी भाभी रही, अभी हमारा भतीजा है। यह सब आप लोगों का आशीर्वाद है और मैं ज्यादा क्या कहूंगा, सब हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा सब लोग आप लोग एकजुट रहिए और कोई सुख दुख पड़ता है तो एक दूसरे का मदद करिए, होना चाहिए मदद। बाकी तो ईश्वर है, अपना कर्म करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। मैं जितेंद्र कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेवा संघ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बिहार। मैंने एक प्रयास किया है, एक विप्र सम्मान समारोह का आयोजन किया है। मैंने इसलिए किया कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक दूसरे से परिचित हों, जिससे कि एक समाज में मैसेज जाए। मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ के चलें, और हमारा इतिहास भी रहा है कि हमारे समाज के लोग पूर्वज भी सर्वे भवन्तु सुखिना के स्टेज पे काम किए हैं और अभी भी करते आ रहे हैं, सभी का भला करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हाशिए पे हैं। हाशिए का कारण है कि इनको जो मिलना चाहिए था, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों को, वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे समाज के लोग हमेशा अब हरेक किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं और क्या कहते हैं, पूरा दिलो दिमाग से उनके साथ समर्पित रहते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो हमारे समाज के लोग बहिष्कृत होते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने एक आह्वान किया है अपने समाज के जनप्रतिनिधियों से भी कि आप लोग भी हम लोग के प्रति उतना ही समर्पित रहिए जितना हम लोग हैं, और हम चाहेंगे कि एक बार ऐसा बिगुल फूके जो हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करें बिहार में। हमारा एक एजेंडा है कि हम एक जो RSS है, RSS के तरह हम लोग एक विंग तैयार करने जा रहे हैं, जिससे हमारे जो समाज के जनप्रतिनिधि टिकट लेके आएंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। हमारा संगठन पूरे बिहार में प्रदेश, जिला, प्रखंड और वार्ड तक हम लोग बना दिए हैं और बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे भी छूट गया है। तो हमारा ये एक बहुत बहुत अंदर से कष्ट भी होता है कि हम लोग सभी को मतलब हर एक राजनीतिक पार्टी को हम लोग वोट देते हैं और हम लोग बहिष्कृत होते हैं। कोई भी इशू होता है हमारे समाज का, वो लोग मतलब इस तरीके से देखते हैं कि लगता है कि ब्राह्मण समाज जो है अपने हिंदुस्तान का नागरिक है या नहीं है। सबसे बहिष्कृत है, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं।
और जितने भी हमारे मीडिया बंधु आए हैं सभी का बहुत बहुत आभार। जय जय श्री परशुराम, जय चाणक्य, जय विद्यापति। Thank you.